हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी गॉट अ वेरी नाइस लेसन। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है टास्क टू लिंकर्स की, तो उसका ये फिफ्थ लेसन होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड यूर डॉक्यूमेंट और इंक्वायरी टू द गिवन ईमेल आई डी immigrationgaruda@gmail.com। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड एनी काइंड ऑफ PDF और द स्टडी मटेरियल, टास्क वन, टास्क टू, रीडिंग, लिसनिंग्स और वट एवर, कैम्ब्रिज बुक्स, देन यू कैन गो टू आर टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो गाइज, आज हम देखेंगे, आज हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेज। देखो क्या होता है कि कुछ कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं कि जो एक मतलब यानी कि क्या होता है कि ना, मान के चलते हैं कि यहाँ पर डॉट या कोमा जो भी है, तो पहला जो सब सेंटेंस होगा, मतलब जो पहला पार्ट होगा सेंटेंस का, वो दूसरे पार्ट के ऊपर और दूसरा पार्ट है जो पहले पार्ट के ऊपर डिपेंड होगा। वेट अ मिनट, ये क्या हो गया? वाओ, स्माइलिंग फेस बन गया। चलो, अनलेस और अनटिल देखते हैं। सबसे पहले अनलेस और अनटिल। अनटिल क्या है? एक टाइम पीरियड से सेंटेंस भी बनता है, टाइम पीरियड से रिलेटेड भी सेंटेंस बनता है, लेकिन आज हम इसको टास्क टू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, अनटिल वो टाइम पीरियड वाला जो है आप लोगों को, उसको अलग रखना, हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। Make complex sentences with these words to make something important. You can also use these words to tell the solution of any problem. किसी problem का solution बताने के लिए भी, अपनी viewpoint को explain करने के लिए भी इन points का इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं, कुछ example देखते हैं। देखो, we cannot achieve a good marks until we don't put a much effort. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अच्छे number लेने हैं तो आपको अच्छे efforts भी करने पड़ेंगे। ये तो बड़ा बचकाना सा sentence हुआ, क्योंकि ये तो देख रहे हो। चलो कुछ इससे अलग से sentence देखते हैं। People can never live prosperous life. लोग कभी prosperous life जी ही नहीं सकते until, कब तक? जब तक government make resources available to everyone. जब तक government हर किसी को resources equally available ना करवा दे, तब तक हम prosperous जिंदगी नहीं जी सकते। Until कब तक? जब तक government ना करवा दे। तो until क्या है? जब तक ना करवा दे, मतलब जब करवा देगी तब सब मिल जाएगा। इंडिया कैन नेवर बिकम अ सुपर पावर। इंडिया कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता until people of India come together and work together. जब तक, कब तक नहीं बन सकता? जब तक लोग हैं ना, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो इकट्ठा आए और इकट्ठा काम करें, तब तक नहीं बन सकता भाई। जब इकट्ठा आए और इकट्ठा काम करेंगे, इकट्ठा सोचेंगे, सबको इक्वली सोचेंगे, मतलब समझेंगे, तो हमारा देश प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है, ये अंटिल होगा, ये कंडीशन होगी कि भाई ये कंडीशन है, अगर ये होगा ना तब ये होगा। समझाया? देखो इसका एक शायद मैंने आगे और लिखा हुआ एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अनलेस और अनटिल। देखो, मान के चलते हैं, मैं आपको एक दो और आइडियाज, आई मीन टू से सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। अनलेस देखते हैं, अनलेस का सेंटेंस देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अनलेस का मैं अगर बनाऊँ तो मैं कैसा बना सकता हूँ? हाँ, आई कैन नॉट मेक माई PPT इज गुड इनफ अनलेस आई पुट अ क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी वर्ड्स, है ना भाई। मैं तब तक अपनी PPTs को अच्छा नहीं बना पाऊँगा जब तक मैं अनलेस क्या ना करूँ, अपनी कंटेंट को क्वालिटी ना दूँ, है ना, क्वालिटी कंटेंट ना अपलोड करूँ। तो अनलेस हो गया ना, एक कंडीशन आ गई, कब तक भाई? जब तक ये ना करूँ। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सी बात थी, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है वेदर। देखो गाइस, वेदर जो है ना एक अच्छा शब्द है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई चॉइस प्रोवाइड करनी है किसी भी दो डिफरेंट कंडीशंस की, दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की, जो एक ही सोर्स से आए हों, तो क्या होता है, आप वेदर सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। इसका सबसे जो अच्छा यूज़ है ना गाइस, वो आपकी इंट्रोडक्शन में होगा। बताता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले इसका कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देखो। व्हाई पीपल आर कन्फ्यूज्ड वेदर कोविड इज रियल और नॉट। लोग कन्फ्यूज क्यों हैं कि कोविड रियल है या नहीं है? देखो ध्यान सुनना, वेदर कोविड इज रियल और नॉट, भाई कोविड रियल है या नहीं है, है ना, है या नहीं है, हो गया। एक तो हमारे पास होगा है या नहीं और नॉट। आगे देखते हैं, इट हैज़ बिकम अ इशू वेदर वी शुड प्रोवाइड अ होमवर्क टू स्टूडेंट्स और नॉट। भाई इशू बन चुका है कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को होमवर्क देना चाहिए और नहीं, या नहीं, है ना, दो होगी ना भाई, या तो दो या ना दो, कन्फ्यूजन है, दो या ना दो। अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि और नॉट की बजाय एक दूसरी कंडीशन भी होती है जो कि नहीं नहीं होती। नहीं नहीं होती का मतलब क्या हो गया, वहां पर ना होने की बजाय कुछ दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड वेदर ऑल रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सेंटेंस उसका ये भी बन सकता था कि ऑल रिसोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट,
करने चाहिए या नहीं, है कि नहीं। आगे देखो, एक सेंटेंस ये भी बन सकता है कि शुड बी प्रोवाइडेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट और देयर मस्ट बी सम टैक्स ऑन देम, क्या उन पे कुछ टैक्स भी होना चाहिए। देखो गाइज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वेदर, बहुत एक अच्छा शब्द है जब आप अपने इंट्रोडक्शन बनाओगे। मान के चलते हैं, आपको ऐसे कोई इंट्रोडक्शन लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान के चलते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है मेरे पास। इंट्रोडक्शन क्या बोलती है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि को एजुकेशन मतलब जो को सेक्स एजुकेशन होती है कि लड़के और लड़कियाँ एक ही स्कूल में पढ़ें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो लड़के और लड़कियाँ हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ें, कि छत के नीचे पढ़ें। रुको मैं कि यार कोई फ्री यहाँ पर होएगा थोड़ा बहुत, यहाँ तो ख़त्म ही होगी। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो लड़की और लड़की हैं एक ही छत के नीचे पढ़ें। दूसरे बोलते हैं कि नहीं भाई, लड़की मतलब इनके जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। ये बोलता है क्वेश्चन। तो अगर आप इसको रिफ्रेज करोगे अपने इंट्रोडक्शन में लिखो तो कैसे लिखोगे, आप ये लिख सकते हो, देर हैज़ बीन अ हॉट डिबेट टॉपिक, अगर आप ऐसा ही बोल सकते हो, द पीपल हैव अ डिफरेंट पीपल हैव अ डिस्टिंक्ट व्यू वेदर, क्या वेदर देर शुड बी सेपरेट स्कूल फॉर बॉयज और गर्ल्स और नॉट, क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होना चाहिए या नहीं। दूसरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, पीपल हैव अ डिस्टिंक्ट व्यूज वेदर वी शुड बिल्ड सेपरेट स्कूल्स फॉर बॉयज और गर्ल्स और दे शुड स्टडी अंडर वन रूफ, क्या उनको अलग अलग स्कूल में बिठाना चाहिए या उनको एक ही छत के नीचे बिठाना चाहिए। समझा? तो और नोट या और एक और ऑप्शन आप दे सकते हो एग्जामिनर को। गाइस सच में देखो, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैंने मतलब कोशिश करी कि आपको ये समझा पाऊँ, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेदर बहुत अच्छा शब्द है, आप इसको इस्तेमाल करो या नहीं या कोई दूसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने इसमें नोट भी दे रखा होगा। नोट क्या है, यू कैन यूज़ इट टू टेल एग्जामिनर अबाउट द टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ अ क्वेश्चन, अ गुड वे टू रिफ्रेश दिस कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारे पास इफ़। देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ कंडीशनल क्लॉज, अगर आपको कंडीशनल क्लॉज देना हो तो वहाँ पर इफ़ सेंटेंस यूज होता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, आई नो। फटाफट से देख लेते हैं, देखो, इफ़ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सम स्ट्रिंजेंट स्टेप्स टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज, अगर गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स यूज़ करती है क्या करने के लिए, इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज इन द सिटी, देन, देखो या तो कोमा लगाओ या देन लगाओ, दोनों ही लगाने की जरूरत नहीं है। वी कैन इंश्योर, हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक, हम पब्लिक की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं अगर इफ़ क्या करती है, गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेती है तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन बी इक्वल इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो इक्वल हो सकता है इफ अगर यदि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इक्वल शेयर स्कीम, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट इक्वल शेयरिंग स्कीम लेकर आती है तो। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखते हैं। वी हैव सीन अ टू सेंटेंस, द फर्स्ट इज सिंपल, पहला सेंटेंस सिंपल था क्योंकि उसमें कोई पेसिव वॉइस नहीं थी, उसमें कैन बी का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा सेंटेंस पेसिव है, उसमें कैन बी का इस्तेमाल किया गया है। और एक ध्यान में रखना हमेशा बात, रूल ऑफ द ग्रामर, कैन और बी, जब भी बी लगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएगी क्योंकि इक्वल की कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है, डिफरेंट सेंटेंस है। समझ आया कि नहीं आया, आगे देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, भाई आपकी हिस्ट्री, आवर तो क्या बोल रहा हूँ, यूअर कंट्री, आपकी हिस्ट्री को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस, अगर आप अब अपने एग्जिस्टेंस की रूट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो कि मैं कहाँ से आया, तो आप अपनी कंट्री की रिलायबल अथेंटिक हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, यदि आप अपनी रूट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो। सिंपल सेंटेंस था, हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, आगे चलते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड्स ऑन, ये भी बड़ा सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, वट काइंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस शुड बी गिवन, देखो यहाँ पे मैंने शुड बी के साथ गिवन लगाया, देखा मैंने पहले बताया था ना, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वट काइंड ऑफ, या फिर उसके पीछे ईडी लगा दो, वट काइंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस शुड बी गिवन टू द क्रिमिनल, शुड टू द क्रिमिनल, अच्छा भाई क्रिमिनल जस्टिस किस प्रकार की देनी चाहिए किसको, क्रिमिनल बंदे को, डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करती है ग्रेविटी ऑफ मैटर पे, ग्रेविटी ऑफ मैटर मतलब भाई अगर किसी का खून हुआ है, अगर कोई चोरी हुई है तो कितनी बड़ी चोरी है, उसकी सजा कितनी होगी, वो ग्रेविटी ऑफ मैटर पे भी डिपेंड करती है। समझा? डिपेंडिंग ऑन अ ग्रेविटी ऑफ मैटर वी शुड नॉट गिव द इक्वल पनिशमेंट टू ऑल द क्रिमिनल्स, डिपेंडिंग ऑन,
अब मैंने क्या करा, आई एन जी का इस्तेमाल करा, इसको जीरोट्स बोलते हैं गाइज, ठीक है। आई एन जी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए हमने एक डिफरेंट सीरीज सोच रखी है जहाँ पर हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेज बताएंगे आप लोगों को जो टास्क टू में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अभी हम उसको यहाँ पर नहीं स्टार्ट करने वाले। बस मैंने आपको बता दिया कि जीरोट्स होते हैं, आप इनका यूट्यूब वीडियो अगर किसी और चैनल की मिले तो फिलहाल के लिए दे सकते हो, अगर आप वेट ना करना चाहो तो। समझा? देखो, ग्रेविटी ऑफ मैटर डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ग्रेविटी ऑफ मैटर पे। क्या डिपेंड कर रहे हैं, इक्वल पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। नोट देखो, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर यूजिंग अ वर्ड्स, नेवर एवर माइंड यूर सेल्फ, मेड यूर सेल्फ लिखा था गाइज मैंने, ठीक है। अपने आप को कभी भी ऐसा मत बनाओ कि मैंने ये जो शब्द है, सेंटेंस है, वर्ड का यूज सीख लिया तो मैं ऐसा ही करूँगा ना, कभी मत सोचो गाइज। हमेशा इनोवेटिव रहो, चाइल्डिश रहो। चाइल्डिश होने का मतलब है इनोवेटिव रहो, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहो, ठीक। सॉरी, आगे देखते हैं। बिफोर, मैं पांचवी वीडियो आज लगातार बना रहा हूँ, आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट आज नींद नहीं आ रही तो चलो बना ही लेते हैं, बट फिर भी हल्का हल्का आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, गले में थोड़ी थोड़ी खराश है, सॉरी फॉर दैट। बिफोर देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट शब्द है इस सीरीज का। बिफोर देखो, समथिंग हैड टू बी डन, सीरीज का नहीं वीडियो का, समथिंग हैड टू बी डन अर्लियर, कुछ चीज़ पहले करो, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ करो उसका आपको इफेक्ट बाद में देखने को मिलेगा, ऐसा ही है ना। बिफोर गोइंग टू कैनेडा, आप लोगों कैनेडा जाने से पहले यू हैव टू क्लियर आयल्स एंड योर बैकग्राउंड एजुकेशन, आपको आयल्स करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड एजुकेशन क्लियर करना पड़ेगा अगर आप कैनेडा जाना चाहते हो, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो कैनेडा, बिफोर गोइंग टू गो कैनेडा, समझ गया, बिफोर गोइंग टू कैनेडा, सॉरी। पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, लोगों को देखो मैंने बी लगाया, ई डी लगाया, मैंने पहले बताया था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या ई डी लगाओ। पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। वुमेन्स हैव टू स्टेप आउट ऑफ द होम, वुमेन्स को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बिफोर किससे, बिफोर वी कैन डिस्कस अबाउट द इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, भाई अगर आपको इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी डिस्कस करनी है ना, तो उससे पहले तो लोगों को एजुकेट करो और वुमेन्स को घर से बाहर निकालो। घर से बाहर निकालो का मतलब है कि उनको चार दीवारी में मत रखो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, उनको अपनी जिंदगी जीने दो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा बिफोर, तो बड़ा सिंपल सा बिफोर तो बहुत सिंपल था, ठीक है। यहाँ पर जो मैं सबसे ज़्यादा गाइस जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए, एक तो है हमारे पास वेदर और दूसरा है ये इफ़, ठीक है। इफ़ हो गया, हाँ बाकी तो इफ़ तो बड़ा सिंपल है, बट वेदर की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको अच्छे से देखो, परखो और इसका यूज़ करो अपनी इंट्रोडक्शन में, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लगेगा आपका, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा लगेगा, एग्जामिनर आपको अच्छे से बैंड भी देगा फिर, सही है कि नहीं सही है। तो होप आप लोगों को आज की जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो डोंट फॉरगेट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट को देना मत, बिल्कुल ही मत भूलना कि क्या चीज़ है जिस पे हम और वर्क कर सकते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्या सीरीज़ है, मतलब जो कुछ भी आपको लगे वो बता दो, ठीक है। इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।